हेलो गाइस, नमस्कार। विशाल आनंद ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं ऋषिकेश में आ चुका हूं और ये आप देख सकते हैं बस स्टैंड है ऋषिकेश का। तो यहां से मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत करूंगा। तो इससे पहले कि आप हर बार की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इस बार भी मुझे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। और मैं अब यहाँ पर ऑटो से यहाँ राम झूला के पास आ चुका हूँ। आप शुरू में ही देख सकते हैं श्री शत्रुघ्न जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर देखने के लिए जैसे कि राम झूला, लक्ष्मण झूला, सीता झूला, ये सब जो है बहुत ही फेमस जगह है। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पहले लोग जाया करते थे घूमने के लिए, तो अभी जो है अब राम झूला में ही लोग आते हैं, क्योंकि ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला जो है कुछ डैमेज हो चुका है और रिपेयर हो रहा है। अभी लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं और अभी मैं राम झूला पर हूं और राम झूला पर ही सभी लोग देखने के लिए आते हैं। और ये 1986 में बनकर तैयार हुआ था, सिर्फ पैदल और साइकिल वाले यात्री के लिए ही बनाया गया है। और यहाँ से आगे जाएंगे 2 किलोमीटर पर तो आपको लक्ष्मण झूला भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे तो यहाँ का गंगा नदी देख करके नहाने का मन कर रहा है, तो मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। तो मैं अब नहा चुका हूँ, अब नहाने के बाद आपसे मिल रहा हूँ। और नहाने का क्या मज़ा ही था, बहुत ही ठंडी पानी है, इससे जब अगर पानी में आप जाते हैं तो आपको यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पर मार्केट में आ चुका हूँ। ये गंगा के उस पार का, पहले आपने देखा वीडियो में, अब ये गंगा के इस पार का है। जब राम झूला आप टपेंगे तभी इस तरह का आपको मार्केट नज़र आएगा। और यहीं पर घाट के किनारे पूरे कई सारे धर्मशाला मिलेंगे जहां आपको बुक करके आप रह सकते हैं। होटल भी मिलेंगे, धर्मशाला भी मिलेंगे। धर्मशाला है कि आपको कम रेट में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला आपको यहाँ पर 300-400 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और आप होटल अगर लेना चाहते हैं तो होटल भी आपको 400-500 हर रेट का आपको मिलेगा। धर्मशाला में भी आपको कई तरह के वैरायटी मिलेंगे, इसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1200-1500 इस तरह से भी होता है। ये जो है यहाँ का ये परमात्म निकेतन नाम है इसका। यहाँ पर गंगा आरती होती है और शाम में यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जो कि बहुत ही फेमस है। और इसके जो यहाँ पर शिव जी का, आप यहाँ पर कई जगह पर आप देखे होंगे, यहाँ पे जो मूर्ति है जो शिव जी का बना हुआ है, ये आपको हर मूवीज़ वगैरह में, हर चीज़ में आपको यहाँ का सीन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के जस्ट सामने में आप देखेंगे ये परमार्थ निकेतन, यहाँ पे भी आप ठहरने के लिए आपको कमरे मिल जाएंगे। और खैर यहाँ का जो रेट है करीब 1500 तक का रेट है, 800 से 1500 के आसपास, हो सकता है आगे पीछे बढ़ जाए, अलग बात है। और यहाँ पर आप कई सारे धर्मशालाएँ मिल जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आपको आधार कार्ड आपका ना होना चाहिए। अगर आप फॉरेन से अगर आ रहे हैं तो वहाँ का जो भी है पासपोर्ट, जो भी साइज आपका जो वहाँ लगता है आइडेंटिटी कार्ड, आप लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट लोग काफ़ी लोग आते हैं और सभी ज़्यादातर यहाँ पर विदेश के लोग आपको अधिकतर यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप जो ये जो पुल देख रहे हैं, जो झूला है ये सीता झूला है, वहाँ पे आपने देखा राम झूला था, ये सीता झूला है। इस पर सबसे ज़्यादा बाइक वगैरह ज़्यादा चलती है, ये थोड़ा बड़ा बनाया गया है। तो मैं आपको यहाँ से बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है जाने में, तो मैं भी अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी जाना है नीलकंठ महादेव वाले जो रास्ता है वो देखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 4 बजे से 6 बजे तक बंद रहेगा पैदल मार्ग। कितने लोग पैदल जाते हैं तो इस रास्ता से, तो इसलिए यहाँ पर 4 बजे से 6 बजे तक जाना मना है। वैसे भी शाम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गाड़ी लगे हुए हैं, यहाँ पर वैन कार जो भी है यहाँ से आपको मिल जाएगा जाने का सुविधा। तो कितने लोग अभी भी जा रहे हैं, तो शाम में मैं यही सलाह दूंगा कि नहीं जाए, जंगल एरिया है। और ऐसे में तो इस बार अभी तो शाम हो चुका है तो मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर आप
आपको यहाँ का जितने भी धर्मशाला मैं आपको आज विजिट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपको यहाँ पे धर्मशालाएँ मिलेंगे देखने के लिए, और ये पहाड़ के जस्ट नीचे में और सभी धर्मशालाएँ में आपको मंदिर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन से, आपको ऐसा कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये परमार्थ निकेतन है जो ये भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल में जो आते हैं देखने के लिए या टूरिस्टर, यहाँ पर काफ़ी लोग आपको मिलेंगे टूरिस्टर देखने के लिए। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो आपको धर्मशाला में रूम मिल जाएगा रेंट पर, आप यहाँ पर आपको 3 दिन तक के लिए ही मिलता है। किसी भी धर्मशाला में अगर आप जाएंगे तो 3 दिन तक ही आप ठहर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने फॉरेनर सब हैं, सभी लोग यहाँ पर तीर्थ स्थल पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर 1000 से भी अधिक कमरे बने हुए हैं और यहाँ पर सत्संग योग ध्यान ये सब हमेशा होते रहता है, और आयुर्वेदिक इलाज प्राकृतिक चिकित्सा सभी चीज़ यहाँ पर होती है। अब आरती का टाइम हो चुका है और अब आरती में चलते हैं क्योंकि 5:30 बजे के बाद आरती स्टार्ट हो जाता है। तो चलते हैं, आरती में बने रहिए पूरी आरती।
सर्वे संत सर्वे भद्राणि पश्यन्तु तो अब मैं दूसरे दिन आपको अब लक्ष्मण झूला की तरफ लेकर चल रहा हूँ, और मेरा ये दूसरा दिन है। और मैं यहाँ पर ऋषिकेश के बारे में कुछ बता भी देता हूँ। ऋषिकेश तो हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर ये दूरी पर पड़ता है, और देहरादून से 43 किलोमीटर की दूरी पर यह ऋषिकेश पड़ता है। और यहाँ पर देखने लायक जो जगह है, जैसे यहाँ की त्र्यंबकेश्वर मंदिर, मुनि की रेती, परमात्मा की राम झूला, एम्स, त्रिवेणी घाट, ये सब यहाँ पे बहुत ही मशहूर है। और ये और लक्ष्मण झूला जाने के रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिलेगा, ये चोटी वाला, जो बहुत ही फेमस है। यहाँ एक चोटी वाले एक बाबा जी जैसे बने हुए बैठे हुए रहते हैं, मूर्ति जैसे, तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चे लोगों को देखने में। तो मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इनके पैसे नहीं मिले, बट आपको ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी आप यहाँ आते हैं तो ये सब जगह आप घूम सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर ये ऋषिकेश से संबंधित बहुत सारी धार्मिक कथाएं बहुत ही प्रचलित है। और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो निकला हुआ विष था, शिव जी ने इसी स्थान पर पिया था, और विष पीने के बाद उनका गला जो नीला पड़ गया था, इन्हीं नाम से नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। जो नीलकंठ जाने का जो रास्ता था आपको दिखाया था पिछले रास्ते से, तो वहीं पर नीलकंठ जाने का रास्ता है। और यहाँ पर देखिए लक्ष्मण झूला जाने का ये मार्ग है, स्वर्गाश्रम गद्दी एवं लक्ष्मण झूला जाने का मार्ग। तो यह है जो रास्ता है, ये पैदल रास्ता है, तो ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर से बहुत ही नज़दीक में है। तो मैं इसी रास्ते से पैदल जाऊंगा, और करीब 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए बहुत ही आश्चर्य लगता है मिलता है, जैसे कि यहाँ पर छोटी छोटी गाय बहुत नज़र आती है मुझे, क्योंकि जैसे हम लोग की तरफ या दिल्ली साइड या ईस्ट पूर्वी भारत में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी गाय नज़र आएगी, मगर यहाँ पे जितने भी गाय सब छोटी छोटी नज़र आती है। जैसे एक गाना भी है कि छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, तो वो एक चीज़ यहाँ पर याद दिलाती है इसी गाना का। तो यही रास्ता है जो ऋषिकेश से जाने का रास्ता है, और बहुत ही शांत रास्ता है यहाँ पर। मैं अब पैदल चल करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि ये मंदिर आपको कई जगह पर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये रास्ता जो है लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता है, तो यहाँ अभी ये बंद पड़ा हुआ है। और लक्ष्मण झूला का भी एक कहानी है, माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगल में अपना समय व्यतीत किए थे, और रस्सी से जो बना हुआ जो लक्ष्मण झूला है यही इसका प्रमाण है। जो 1960 ईस्वी में इसे फिर से इसको पुनः निर्माण कराया गया था, और यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बसे इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो कि 13 मंजिला इमारत में बना हुआ है, और ये भी बहुत ही फेमस मंदिरों में से एक है। अब मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि लक्ष्मण झूला का साइड व्यू आपको दिखाऊं। तो यहाँ से लक्ष्मण झूला साफ साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नहाने का ऐसा कोई साधन नहीं है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं आसपास जो स्टॉल लगाए हुए दुकान में, तो वही लोग यहाँ पर रहते हैं और स्नान आदि करते हैं। ऐसे यहाँ पर नहाना और अभी तो ऐसे प्रतिबंध है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।